तेजस्वी तो बच्चा है, वो तो ब्लाइंड है, वो कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। वो मैंने सुगर का पैखाना है, मैंने माल मवेशी का भी नहीं। चोर फिरार है, गरीब के मुखिया पप्पू यादव गिरफ्तार है, यही गुंडों का सरकार है। डर लग रहा है नरेंद्र और नीतीश से, हम लोग को डर लग रहा है। दोनों बुढ़वा जो है, बुढ़वा एकदम गुंडों का राज। आजाद भाजपा जदयू के लोगों से एक बात को साफ क्लियर कर देते, हम लोग डरते नहीं, और जो डराने का कोशिश करेगा ना उसको लेके डूबेंगे इसी नदी। जब तेजस्वी को और लालू यादव जी को हाथ पकड़ना पड़ा था यहाँ की जनता को, इसलिए शेखर आज विधायक। स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। इस वक्त हम लोग मधेपुरा में हैं और हमारे पीछे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये एक नदी का वीडियो है। काफी लोग यहाँ नदी में उतरे हुए हैं। क्या मैटर है, यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, पोस्टर लगा हुआ है और ढेर सारे लोग यहाँ पर नदी में हैं। क्या मुद्दा है, क्यों ये लोग नदी में हैं, आइए इनसे हम बात करते हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर आप लोग आज जल समाधि ले रहे हैं? प्रथम कि हमारे जो नेता हैं, मैं हमारे ही नहीं पूरे देश के पूरे विश्व के जो सेवक हैं, वह आज नाहक अच्छा कर्म करने में, समाज के सेवा करने में खून पसीना एक करके, एक लुटेरा है एक देने वाले हैं। ये तमाम देश का लुटेरा है और एक आदमी देने वाला दाता है। तो जो ये दाता दे रहे हैं तो ये जितना लुटेरा है सबको देह में खुजली आ रहा है कि साला ये तो बेनकाब कर देगा हमको। ये सबको दे रहा है, ये लोग कहेगा कि सत्ता है सुख में है, ये लोग नहीं दे रहा है, ये लोग अपना पैसा दे रहा है, इसलिए इन लोगों को शर्म हो रहा है। तो शर्म को छिपाने के लिए कहता है कि चल इसी को अंदर बंद कर दो, नहीं देगा ना कोई बात भंडाफोर होगा, नहीं तो ये सब बात कर दे। मैं सांसद पप्पू यादव के बारे में बोल रहा हूँ, दूसरे के बारे में किनके बारे में बोलूँगा? देश में लीडर कौन है, सेवक कौन है? मात्र सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव। और तब मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, गवर्नर बनने के लिए, इस बनने के लिए, टका ठगने के लिए, कमाने के लिए, लूटने के लिए, जनता को आंख में धूल झोंकने के लिए, और सांसद पप्पू यादव अपना कुर्बानी देकर के जनता के लिए जिंदा रहना चाहते हैं। मात्र एक जाति के लिए नहीं, सभी जाति धर्म संप्रदाय बड़े छोटे सब के लिए ये इनका उद्देश्य है। अंतर यही है, दो धारा है, एक धारा में तमाम लीडर है, तमाम पार्टी के लीडर है, और एक धारा में केवल पप्पू यादव है। इनको विश्वास है समाज सेवा पर और उन लोगों को विश्वास है लूटने पर, कि किस तरह से एक बार पर सब एक पंचवर्षीय बन जाए, लूट करके अरब खरब जमा कर लेंगे। अब पप्पू यादव का कहना है कि कितना हमको हो जाए, पूर्णिया का भी जो जमीन बचा है साला 50 बीघा, वो भी बेच करके हम जनता को देने के लिए तैयार है, यही अंतर है सर। इसलिए वो लोग अपने जो चोरी हक कर्म अधर्म जो किया है और पप्पू यादव जी देख लिए हैं, तो देख लिए हैं तो बोल रहे हैं कि साला सदे ही कह देंगे कि हे यहाँ पर लूट रहा था, हे यहाँ कुकर्म अधर्म कर रहा था। क्योंकि पप्पू यादव खरीदार जो है बिकने वाले नहीं है, इनको आप तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पप्पू यादव जो कर रहे हैं मीडिया में सिर्फ आने के लिए कर रहे हैं और हम लोग जो कर रहे हैं वो मीडिया से अलग हट के कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी तो बच्चा है, वो तो ब्लाइंड है, वो कोई चीज़ ही नहीं है दुनिया में। वो मैंने शुगर का पैखाना है, मैंने माल मवेशी का भी नहीं। माल मवेशी के शुगर से मैंने जलावन होता है, उससे निपा पोछी किया जाता है, ये तो शुगर का पैखाना है, इसमें कीड़ा भी नहीं लगता, ये क्या बोलेगा? इसका चर्चा हम लोगों के पास मत करिए, ये देखावटी है। ये बाप के नाम पर यो ये कमाना चाहता है, लूटना चाहता है, देखबे करते हैं ना। बहुत बात बोलना नहीं चाहिए, हम लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनके बारे में तो नहीं है बोलिए, और के बारे में दम है, लेकिन इनको कुछ नहीं है, ये कोई चीज़ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम कुमार यादव। महिला भी हैं एक यहाँ पर, पानी में उतरी हुई है, उनसे हम बात करते हैं। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? नूतन सिंह जी। आप पानी में उतरी हैं, क्या क्या मामला है? मांग है मेरा, एम्बुलेंस चोर फिरार है, गरीब के मसीहा पप्पू यादव गिरफ्तार है, यही गुंडों का सरकार है। सरकार से हम लोग फिर से बोलिए, क्या बोले? एम्बुलेंस चोर फिरार है, गरीब के मसीहा पप्पू यादव गिरफ्तार है, यही गुंडों का सरकार है। पूर्व हो गया सरकार, गुंडों का हाथ चारों का है सरकार, इसीलिए हम लोग सरकार से कहना चाहते हैं, गरीब के मसीहा पप्पू यादव को आप जल्द से जल्द रिहा कीजिए, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आप गुंडों का सरकार है लगता है, डर लग रहा है, डर लग रहा है नरेंद्र और नीतीश से, हम लोग को डर लग रहा है। ये दोनों बुढ़वा जो है, ये बुढ़वा एकदम गुंडों का राज है। चलिए चलिए, और भी लोगों से हम बात करते हैं, क्या मुद्दों को लेके आप लोग आज जल में उतरे हैं, पानी में उतरे? मुद्दा यही है कि गरीब का सेवक और भारत देश का जो एक सच्चा सेवक है श्री पप्पू यादव की रिहाई के लिए हम लोग जल में उतरे हैं, जल समाधि लिए हुए हैं, और इसी तरह से हम लोग आगे भी इनका
रिहाई के लिए। जब तक रिहा नहीं होंगे हम लोग, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी गूंगी बहरी सरकार है, बहुत धीरे सुनता है, दोनों तरफ केंद्र और राज्य दोनों तरफ। सही हमारे महिला नेत्री बोली कि बहुत बूढ़े हो गए हैं, इनको अब संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति से, क्योंकि इससे पप्पू यादव को ही नहीं इस देश को बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए आप, देखिए उस क्षेत्र का क्या हाल है। सब कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, आज डीजल का दाम देख लिए 100 रुपया हो गया, पेट्रोल का दाम 100 रुपया हो गया है। जब नीतीश जब कांग्रेस के सरकार में 40 रुपये प्याज हुआ था, तो ये स्मृति ईरानी जो है वो माला पहन के गैस सिलेंडर माथा पे उठा के नाचती थी, अभी ये कहाँ गई है, कहाँ गई है ये सब। राजद के लोग आरोप लगा रहे हैं पप्पू यादव पे कि बीजेपी के एजेंट हैं, क्या कहना है सर? अच्छा एक बात बताइए, अगर बीजेपी के एजेंट होते हमारे राजेश रंजन पप्पू यादव जी, तो आज राजा होते। राजा मतलब राजा तो है ही, इस देश के गरीब आदमी का राजा है वो, के सत्ता का राजा होते। अगर एजेंट होते तो सत्ता का राजा होते, क्योंकि वो अब केंद्र में मंत्री होते, बिहार का मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं अगर वो एजेंट होते। एजेंट तो ये राजद के लोग हैं। आज जब राजीव प्रताप रूढ़ी का एम्बुलेंस पकड़ाया, एक बात और बताएंगे, पप्पू यादव को डर नहीं होता है, डर सिर्फ नहीं, किसी का डर नहीं होता है। अगर पप्पू यादव की जगह और कोई नेता होता तो उसका माँ उतना दूध नहीं पिलाई होती जो उसके घर में जाकर उसके एम्बुलेंस का पर्दाफाश किया। इसलिए हम किसी से भी राजद भाजपा जदयू के लोगों से एक बात तो साफ क्लियर कह देते, हम लोग डरते नहीं हैं, और जो डराने का कोशिश करेगा ना उसको ले के डूबेंगे इसी नदी में, ये बात क्लियर कह देना चाहते हैं। क्या मांग है राजद? राजद क्या है बताइए, बोलता है कि आपकी पार्टी को क्या विधायक, अरे भाई पिछले लोकसभा में आपको क्या को सांसद हुआ, आप तो बहुत बड़े पार्टी है, आपकी बहन हार गई। हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं सही में इस बात पर, लेकिन वो जब बोलते हैं और कहते पप्पू यादव एजेंट है, जब कोई महामारी आता है तो आप दिल्ली में क्या करने जाते हैं, कहाँ जाते रहते हैं? जब लास्ट टाइम आता है तो दिल्ली से या कहाँ रहते हैं, कहाँ से आ जाते हैं, वो पक जाते हैं, कहाँ जाते हैं आप लोग? राजद का तेजस्वी जी जो है, जो अभी नेता घूम रहे हैं, नेता बन के घूम रहे हैं अनुकंपा पे, उनसे मैं पूछना चाहूँ कहाँ रहते हैं आप? राजद कैसे हमारे ऊपर सवाल उठाएगा, कैसे सवाल उठाएगा? और यहाँ का एक विधायक भी है, आज तक जिंदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था, और जब सत्ता पर उसको सवाल उठाना था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे पप्पू यादव पर कर रहे हैं, उसको हीरो बनना है, उसको पता नहीं है कि वो हीरो कितना बड़ा जीरो है वो। जनता तो नहीं को विधायक चुनी है, विधायक वो भी परिस्थिति के हैं, वो भी परिस्थिति के, जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिस्थिति के सीएम है, उसी तरह वो परिस्थिति के सीएम है। जब यहाँ पर एक बात तो है, जनता में भी कुछ है, नहीं तो पप्पू यादव बड़े सेवक चुनाव हार गए, इससे बड़ा जुल्म कुछ हो नहीं सकता है। जब तेजस्वी को और लालू यादव जी को हाथ पकड़ना पड़ा था यहाँ की जनता को, इसलिए शेखर आज विधायक बन गया। चलिए, क्या नाम है आपका? गोपी कृष्ण वीडियो। तो लगातार ये जन अधिकार युवा परिषद, जन अधिकार पार्टी, छात्र परिषद, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, नदी में उतरे हुए हैं अपने सांसद पप्पू, पूर्व सांसद पप्पू यादव की रिहाई को मांग को लेकर। अगर ये खबर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें।